हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 3J पे है और क्वेश्चन नंबर है 1K नंबर देखे। यदि साइन ए का मान 11/61 और कॉस बी का मान 4/5 हो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू और कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू का मान बताएं। और फिर क्या रहा है कि जबकि ए तथा बी दोनों ही धनात्मक न्यून कोण है। अच्छा, दोनों धनात्मक न्यून कोण दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसके लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जबकि यहाँ दिया है साइन ए का मान 11/61 और कॉस बी का मान 4/5। तो एक काम करते हैं, साइन ए दिया है तो कॉस ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, यानी कि 11/61 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है जी, यह हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है और 61 का स्क्वायर आ जाएगा 3721। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 3721 यहाँ हो जाएगा 3721 माइनस का 121। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे घटा देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3600 आ जाएगा और बटा में 3721। तो ऊपर हो जाएगा 60 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 61 का, यानी कि कॉस ए का वैल्यू आ गया। कॉस बी दिया है तो यहाँ पे साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। तो √1 माइनस का 16 और बट्टा में 25। अंदर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 25 25 और माइनस का 16, यानी कि रूट में 9/25 आ गया, यानी कि 3/5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले कॉस ए माइनस बी का लिए देखते हैं। यह हो जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू में साइन बी। कॉस ए का वैल्यू है आपके पास 60/61, कॉस बी का वैल्यू है 4/5, प्लस में साइन ए का वैल्यू है 11/61 और साइन बी का वैल्यू है आपके पास 3/5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी। 6 × 4 = 24, 240 और बटा में कितना हो जाएगा, तो 61 में 5 से गुना कर देंगे तो 305 आ जाएगा। ठीक है, 305, 33/305। ऊपर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना है जी, 240 में आप जोड़ देंगे कितना, 33 को ना जी, 33 को, यानी कि आ जाएगा आपका 273 और बट्टा में 305। ठीक है, अच्छा, पहले निकाल लेते हैं फिर कॉस ए प्लस बी का भी। कॉस ए प्लस बी का भी तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है ना जी, तो यही वैल्यूज रखते जाते हैं, 60/61, 4/5 माइनस 11/61, 3/5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 240/305 और माइनस का 33/305। एलसीएम लेके यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 207 और बटा में आपका 305। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें निकालना है ऊपर साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। ठीक है ना जी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि आपका कॉस थीटा जो होता है यह बराबर होता है 1 − 2 sin² θ/2 के, इसी को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉस ए माइनस बी इक्वल टू में दिया हुआ है कितना था जी, 273/305। तो हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं 1 − 2 sin² a − b/2 = 273/305। इसको इधर उसको उधर ले जाते हैं, यानी हो जाएगा यहाँ पे 1 − 273/305 = 2 sin² a − b/2। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम ले लेंगे कितना, 305, तो हो जाएगा यहाँ पे 305 माइनस का 273 बराबर में 2 sin² a − b/2। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है, ऊपर घटा देंगे, 305 है और 305 में से 273 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ऊपर 32 और बट्टा में नीचे 305। इस दो को यहाँ नीचे लेके चले तो इधर हो जाएगा sin² a − b/2, ये कट जाएगा इधर 16 बार में। तो हमें इसी का ना वैल्यू निकालना था, हमें साइन स्क्वायर ए माइनस बी बट्टा में 2 का वैल्यू निकलना, जो कि 16/305 हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना था जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू।
कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू निकलना है। तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी का वैल्यू है 207/305। हमारे पास कॉस ए प्लस बी का वैल्यू है 207/305। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि पढ़े हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू में 2 cos² θ/2 - 1। तो इसी को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos² a + b/(-1) = -207/305। ठीक है ना जी। 2 cos² यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बाई टू, ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का, 207/305 और प्लस का 1 हो जाना है। चलिए देखते हैं 2 cos² a + b/2 = में देखिए क्या होगा, 305 इधर एलसीएम ऊपर आ जाएगा क्या आपका 207 और प्लस का 305। ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos² a + b/(2) = ऊपर हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 512 और 305। दो को इधर डिवाइड मिलाते हैं जैसे हो जाएगा आपका cos² a + b/2 = 512/305 और गुना में 2। दो से इसको काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा जी, यहाँ पर ये एक यहाँ 256 बार में कट जाएगा, यानी कि 256 और 305 cos² a + b/2 का मारा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 का b नंबर, यदि sin a = 3/5 तथा sin b = 4/5 तो cos a - b/2 का मान बताओ, जबकि a और b दोनों धनात्मक न्यून न्यून कोण है। चलिए देखते हैं, हमारे पास साइन ए दिया है 3/5, अच्छा, और साइन बी दिया है 4/5। मैं कॉस ए माइनस बी बाई टू निकाला, तो एक काम करते हैं बाकी यहाँ पे साइन वाले दिए तो कॉस वाले मानों को निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, √1 - sin² यानी 3/5 का स्क्वायर, 1 - 9/25, अंदर एलसीएम ले लेते हैं 25, तो 25 और माइनस करो ऊपर आ जाएगा 16/25, यानी कि आ जाएगा 4/5। अच्छा, और साइन बी है तो यहाँ पे कॉस बी निकाल लेते हैं, √1 - sin² यानी कि 4/5 का स्क्वायर, √1 - 16/25, यहाँ √25 ले लेते हैं एलसीएम, 25 - 16 ऊपर आ जाएगा कितना, 9/25, तो आ जाएगा 3/5। तो हमें क्या निकालना जी, कॉस ए माइनस बी बाई टू निकालना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना जी। क्या होता है कॉस ए माइनस बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 3/5, प्लस साइन ए का वैल्यू 3/5, कॉस बी का वैल्यू साइन बी का वैल्यू 4/5। चलिए यहाँ पर देखिए 12/25, 12/25 यानी क्या आ जाएगा 24/25। चलिए हमारे पास इसका कॉस ए माइनस बी बाई टू निकालना है ना जी। तो एक काम करते हैं, हमारे पास कॉस ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 24/25। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है इक्वल होता है 2 cos² θ/2 - 1 का, क्या हो जाएगा 2 cos² a - b/2, ठीक है, और -1 = 24/25। एक को ले जाकर उधर जोड़ देते हैं, ठीक है ना जी, 2 cos² a - b/2 = 24/25 और प्लस का 1। चलिए आगे देखते हैं, 2 cos² a - b/2 = में देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 25, यहाँ जाएगा 24 + 25, तो 2 cos² a - b/2 = में हो जाएगा 49/25। दो को ले जाते उधर भाग में तो cos² a - b/2 = में हो जाएगा 49/50 कर देते हैं, स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे तो cos a - b/2 = हो जाएगा, धनात्मक कोणों के लिए कर रहा है इसलिए माइनस में नहीं होगा, पॉजिटिव ही लेंगे, 49/√50। तो 49 का √7 और इसका हो जाएगा यहाँ पर 5√2, यही आ जाएगा 7/5√2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित के मान बताए, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री और tan 12.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का मैंने निकाला है। चलिए sin 15 डिग्री निकालना है, sin 15 डिग्री का मान
तो एक कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो इसको साइन ए माइनस बी वाले फॉर्म पे चेंज करके, या हम लोग इसको कॉस वाले मान से भी निकालते हैं। कॉस 30 का वैल्यू जानते हैं ना जी? कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू होता है आपके पास आपका √3/2। तो हम लोग कॉस 2a = में लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 - 2 sin² है ना जी? इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 × 15 = में √3/2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 1 - 2 sin² 15 = में √3/2। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 1 प्लस माइनस में हो जाएगा √3/2 = में 2 sin² 15। तो ये देखते हैं, यहाँ पे आगे एलसीएम ले लेंगे, 2 2 - √3 ठीक है, और = में 2 2 sin² 15। चलिए अब इसके बाद ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 - √3/4 हो जाएगा = में sin² 15। यानी कि यहाँ से sin 15 डिग्री = में रूट हो जाएगा √2 - √3 और / 4। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर रूट में रहने देते हैं और नीचे ये 2 आ जाएगा, या आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ये भी सही मान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, sin 15 डिग्री = में sin 45 डिग्री और -30 डिग्री कर दो, और साइन ए माइनस बी वाले पे सेट कर दो। sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री -cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। चलिए देखते हैं, sin 45 डिग्री का 1/√2, cos 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर 1 और √3 और / 2। cos 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2। चलिए आपका √3 और / 2 √2, और इधर आ जाएगा 1/√2 √2। 2√2 एलसीएम √3 और -1। तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में इसको ऊपर अंश कर परिमेयकरण करेंगे ना, तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू सही है। चलिए बी नंबर में देखिए, cos 15 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे लिख दो cos 45 डिग्री और -30 डिग्री, और cos a - b वाले पे लगा देते हैं cos 45 cos 30 + sin 45 sin 30। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√2 √3/2, 1/√2 या 1/2, √3/√2 और +1/√2। एलसीएम ले लेते हैं 2√2, √3 और +1, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमें टेन 22.5 डिग्री का निकालना है, टेन 22.5 डिग्री का। एक काम करो ना, टेन 45 डिग्री का मान जानते हो ना, 1 होता है ठीक है ना? तो इसे आप कर सकते हो tan 2 * 22.5 डिग्री ठीक है = 1। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना θ = 22.5 डिग्री है, तो थोड़ा लिखने में आसानी होगी, क्योंकि 2 यहाँ पे हो जाएगा tan 2 θ, तो लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ ठीक है। θ का मतलब यहाँ 22.5 डिग्री से है ना? चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसका 2 tan θ बाई में 1 - tan²θ। इधर को तो मल्टीप्लाई करेगा, 2 tan θ = में 1 - tan²θ। इसको इधर लाते हैं, tan²θ + 2 tan θ और -1। यहाँ tan θ = में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से -b + √b² यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 * 1 * 1 और बटा में 2 * 1। tan θ = में -2 + √√, यहाँ पे 8 आ जाएगा और बटा में 2, -2 + -2√2 और बटा में 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो -1 + -√2 और बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो tan θ का वैल्यू यहाँ पे ही आया, tan θ का वैल्यू -1 + -√2। तो चूंकि आपके पास tan 22.5 डिग्री का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए tan θ = में यहाँ पर प्लस वाला लेंगे, सिर्फ √2 - 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि -1 और +√2 लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, यानी कि tan 22.5 डिग्री का मान
हो जाएगा ये रूट टू माइनस का वन, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री के ए से देखिए, यहाँ सिद्ध करना कि साइन ए जो होगा टू टेन ए बाई टू माइन बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू के इक्वल होगा। अच्छा चलिए हम लोग इसका यहाँ पर आरएचएस ले लेके, आरएचएस ले लेते हैं टू टेन ए बाई टू बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर ए बाई टू है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि टू टेन थीटा बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टेन सॉरी साइन साइन टू थीटा के। ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन टू इंटू में ए बाई टू के, यानी कि ये साइन ए आ जाएगा आपका, एल एच एस आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड का बी नंबर, कॉस ए इक्वल टू में यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो इसका आर एच एस ले लेते हैं। वन माइनस का टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। हम लोग पढ़े हुए प्रॉपर्टी कि वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यह आप इसके क्या होता है कॉस टू थीटा के, यानी हो जाएगा यहाँ पे कॉस टू इंटू में ए बाई टू, टू से टू कैंसिल कॉस ए आ गया, आप पहले जिसमें ही ना लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर नंबर, हमें इसका वैल्यू प्रूव करना है कॉस टू ए टू टू ए प्लस टू बी के इक्वल, इसका एल एच एस लेते हैं कॉस टू ए कॉस टू बी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको देखिए यहाँ पर है आपका माइनस प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और फिर यहाँ पर है माइनस में साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, इस कॉस टू ए कॉस टू बी को वैसे ही छोड़ दो, यहाँ से माइनस कॉमन करो, तो यानी कहने मतलब ये आ जाएगा पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है ना जी, और फिर ये आ जाएगा बाद में माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस बी, इक्वल टू हमें जो प्रूफ करना वो देखा जाएगा। चलिए कॉस टू ए इंटू में कॉस टू बी, यहाँ देखिए इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, या फिर यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस बी और माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी दिया हो तो ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। तो इसी को एक बार क्या कर देंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, यानी ये ए है ये बी है, ठीक है, साइन जो एंगल है उनका डिफरेंस कर लेंगे इनटू में, ऐसे ना कर देते हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग देखिए कॉस टू ए कॉस टू बी माइनस साइन, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस का ए माइनस का बी, साइन ए प्लस बी माइनस का ए और प्लस का बी, यहाँ ए से ए गया यहाँ बी से बी गया, तो आ जाएगा कॉस टू ए इंटू में कॉस टू बी माइनस साइन टू ए इंटू में साइन टू बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस टू ए और प्लस का टू बी का, ये ना मैं आर एच एस में दिखाना था हमने दिखा दी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, यहाँ सिद्ध करना है कि सेके प्लस का टेन है बाई सेके माइनस टेन है इक्वल टू में होगा, तो इसका एल एच एस लेते हैं। दिया हुआ है सेक ए प्लस का टेन ए बाई सेक ए माइनस का टेन, आर एच एस से भी एल एच एस ला सकते थे। चलिए साइन कॉस में वन बाई में कॉस ए प्लस में साइन ए बाई में कॉस ए, वन बाई में कॉस ए माइनस का साइन ए और बाई में कॉस ए, ऊपर और नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम कॉस ए आ जाए कॉस सॉरी वन वन प्लस का साइन, नीचे एलसीएम लेते हैं कॉस ए आ जाएगा वन माइनस का साइन, इन दोनों से ये कट जाना है। चलिए ऊपर बच जाएगा आपका वन प्लस का साइन है और नीचे वन माइनस का साइन है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऊपर चेंज कर देते इसे फॉर्मूले के हिसाब से, वन प्लस साइन ए का एक होता है कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा वन वन माइनस साइन ए का कॉस ए बाई टू माइनस का साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर। तो एक काम करता है इसे लिख देते हैं कॉस ए बाई टू प्लस में साइन ए बाई टू
का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ऊपर नीचे कॉस ए बाई टू से भाग करते हैं, अंदर में ही कॉस ए बाई टू बटा में कॉस ए बाई टू प्लस का साइन ए बाई टू बटा में कॉस ए बाई टू। एक्चुअल में कॉस स्क्वायर ए बाई टू से डिवाइड हो रहा है आंसर में, क्योंकि स्क्वायर है ना जी, तो होल अंदर नहीं लगेगा। कॉस ए बाई टू बाई में कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू बाई में कॉस ए बाई टू। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट के वन, यहाँ भी वन आ जाएगा ऊपर, वन प्लस का टेन ए बाई टू, और नीचे देखिए वन माइनस का टेन ए बाई टू। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही ना मेरा आर एच एस में लाना था, हमने ला दिया। थोड़ा सा इसमें और चेंज करना पड़ेगा हमें, इतना नहीं है और भी है, थोड़ा सा और है, सॉल्व किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। वन की जगह पे यहाँ पे टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, प्लस का टेन ए बाई टू बाई में वन माइनस, या कुछ नहीं तो यहाँ वन तो दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर और इंटू में टेन ए बाई टू, ठीक है ना। तो टेन ए टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी बटा में वन माइनस का टेन ए इंटू में टेन बी। किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन ए प्लस बी के लिए, यानी हो जाएगा यहाँ पे टेन पाई बाई फोर और प्लस का ए बाई टू। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हमारा आर एच एस में था, समझ गए। चलिए तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।